मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग स्पोर्ट्स क्लब द्वारा भोपाल द्वारा 29वीं अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 9 फरवरी से 14 फरवरी तक इंदौर में चल रहा है। इस क्लब में मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की समस्त श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच में 11 खेल स्पर्धाओं जिनमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, कबड्डी, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज तथा 100 और 200 मीटर दौड़ में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एमजी रोड के इंदौर वांडर्स ग्राउंड पर वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल और कबड्डी स्पर्धा के फाइनल मुकाबले हुए। कबड्डी में होशंगाबाद की टीम विजेता रही। वहीं सेंट्रल जिमखाना मैदान पर फ्लडलाइट की रोशनी में क्रिकेट के फाइनल मैच का मुकाबला इंदौर और रीवा की टीम के बीच में हुआ। रीवा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए। वहीं इंदौर की टीम ने मात्र 12 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर 9 विकेट से जीत दर्ज करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। क्षेत्रीय स्पोर्ट्स क्लब के सचिव आरजी घनघोरिया ने बताया कि इस आयोजन में मध्य प्रदेश के 6 क्षेत्रों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। देखो मुकाबला तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि फ्लड लाइट में पहली बार ये जल संसाधन स्पोर्ट्स क्लब का कोई इवेंट क्रिकेट फ्लड लाइट में पहली बार खेला जा रहा है। ये व्यवस्था चूँकि इंदौर में है और ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे जल संसाधन विभाग का 29वां आयोजन है, बहुत पुराना आयोजन है। बिल्कुल 100% जीतने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारी जो टीम है बहुत मजबूत टीम है और इसमें कई नामी गिरामी खिलाड़ी हैं जो अपने समय के बहुत बड़े मैंने डिवीजन वगैरह खेले, जैसे दीपक ढीन है और विक्की गोहर है, अखिलेश मंडलोई है, विनोद नागर है, विपिन पाटीदार है, बहुत अच्छे बैट्समैन है और आप लोग देखेंगे काफ़ी अच्छी क्रिकेट हम लोग खेलने जा रहे हैं। ये खेल महाकुंभ जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा खिलाड़ी अधिकारी कर्मचारी के रूप में आए हैं और बहुत ही यहाँ पर खुशगुजार माहौल है और ग्राउंड के ऑफिशियल्स खासतौर से मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छे हैं, नेशनल लेवल के लोग हैं, क्योंकि मैं भी हॉकी कंडीशनल एम्पायर हूँ। मैं समझता हूँ कि कैसी सुविधाएँ चाहिए, वैसी सुविधाएँ मिल रही हैं और ये खेल महाकुंभ एक समाप्ति की ओर है, कल समाप्त होगा। हमारे पुराने खिलाड़ियों ने एक क्लब का स्थापना की थी, इसकी 29वीं सालगिरह है जी, जो इसमें हम लोग यहाँ खेलने आए हैं और यहाँ के मीडिया ने और अपने खिलाड़ी भाइयों ने जो सहयोग किया है इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे।